News 18, India. हल्द्वानी हिंसा में रोहिंग्या कनेक्शन की जांच आगे बढ़ाई जा रही है। आपको यह भी बता दें कि इस वक्त तमाम ऐसे सीसीटीवी हैं जिन्हें खंगाला जा रहा है। अगर कोई भी कनेक्शन यहां से डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसकी तह तक कैसे पहुंचा जाए, ये इस वक्त कोशिश है। हालांकि सूत्रों के हवाले से अभी ये खबर जरूर मिल रही है, लेकिन आपको यह भी बता दें कि एक एक एंगल जो भी इस मामले से जुड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि इससे पहले सामने आया कि कैसे सोची समझी साजिश के तहत इस हिंसा को अंजाम दिया गया। अब रोहिंग्या कनेक्शन की जांच की जा रही है, जैसा दीपक बिष्ट भी बता रहे थे। आप राजभवन से नवाजा गया है और आज वो सम्मान मिला है, तो उसमें भी पॉलिटिक्स ढूंढ रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस ने मनमोहन सिंह का जिक्र छेड़कर बीजेपी को जवाब दिया। जो दुख है कि उनके साथ मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, उसके खिलाफ शोध पत्र आ रहा। इससे पहले 3 फरवरी को लालकृष्ण आडवाणी और 23 जनवरी को बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेले के दौरान एक टेंट में भयंकर आग लगने से दहशत मच गई। वहां सुबह के वक्त जब आग लगी तो बड़ी संख्या में लोग उस टेंट के